आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि इस वीडियो को देखने के लिए हेडफोन का यूज़ कीजिए, और अगर आप फैमिली में है तो वीडियो को ओपन ही मत कीजिए। अरे जिंदगी के लौड़े लगे पड़े हैं यार, इतना जंबो सिटी में हमको साला ये खाने को मिला बे। कमरा है रंडी का, कमरा लेके रखे हैं हमने। साला देख तेरे को इतने जम्मू में क्या मिला खिलाने के लिए। अबे तू लौड़ा है, सुबह से एक बार भी टट्टी नहीं निकली, इतना गरम गरम खाया बे। लस्सी मिल जाती तो साले। बाथरूम चाहिए मेरे को, बाथरूम दिखा। इधर देखो क्या खाने को मिल रहा है बे, छोला लौड़ा टट्टी। गाड़ी कहाँ मिलेगी? ड्राइवर के पास। ड्राइवर ड्राइवर का भोसड़ा भी देखो। हम पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचे पे हम, कहाँ बोलते इसको, कहाँ पहुंचे? भठंडी। भठंडी टट्टी। अरे क्या टट्टी यार, भाई कुछ भी हो अपन यही कहना चाहेगा, अपना देश महान, कश्मीर महान। बाकी सब भोसड़े में जाए। विनायक बाजार साला, ना दिन है ना रात है ना आराम है, भोसड़े की जिंदगी का डीजे बना दिया है। तो टट्टी करने को जगह नहीं है बे। बाथरूम 200 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर पे है। अरे तब तक कहाँ आदमी इंसान पटवाही में ना कर दे। तो भैया अभी हम पहुंच गए हैं यजार मार्केट, आगे कच्छ मार्केट है, उधर भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको पूरा हाल चाल बना रहेगा। लेकिन अभी भी जो है एक प्रॉब्लम है, वो है बजाज। अबे बजाज क्या भोसड़े में, पहले अपना भोसड़ा ठीक करो बे। बाथरूम दिला हमको। अभी जो भैया दिक्कत है वो है ये के शौचालय बोलता है ना भोसड़ा, शौचालय का प्रॉब्लम है अभी, वो क्लियर हो जाएगा। अरे बिजनेस आ गया हमको समझ, देखो काम कोई और करे और पैसा कोई और ले। मतलब जो पैसा जो काम करता है वो पैसे देता है, काम करने वाले को पैसा मिलना चाहिए। यहाँ काम करने वाला पैसा देता है, एक तो टट्टी करता है, ऊपर से 10 रुपये 5 रुपये देता है। और फाइनली गाइस बाथरूम मिल चुका है, लेकिन महंगाई बहुत है, 100 रुपये मांगता है। लेकिन अभी साला अगर 5,000 भी मांगेगा अपन दे देगा। क्या ना कि दिक्कत है अंदर बहुत। क्या खाए थे बे हम लास्ट नाइट? यार कुछ तो जहरीला खाए होंगे तो इतना हुआ। क्या है इसका मुंह में नहीं देखा। अबे अंदर है क्या करेंगे क्या बे? टट्टी तो चलते चलते पिघल गई रे। चलो एक बार हम अंदर जा ही लेते हैं। दुनिया साफ का ही दिखाई दे रही है हमको बे। अबे अंधेरा छाया हुआ था। गाइस अगर आपके साथ भी कभी ऐसी प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल मैं आराम करने जा रहा हूँ।